Right, ladies and gentlemen, welcome to a brand new day of 34 national games here in Quetta. आज के दिन का आगाज हम बूशू के मुकाबलों से कर रहे हैं और आज के दिन अतिकुर रहमान फाइनल्स होने वाले हैं वुमेन और मेंस कैटेगरी के. पाकिस्तान राइट. आज के दिन का आगाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से हुआ, राइटली सो अतिकुर रहमान जी. बिल्कुल दानिश, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से वुशो के फाइनल्स मुकाबलों का आगाज. सबसे पहले विमेंस कैटेगरी के 8 फाइनल होंगे और उसके बाद फिर मेंस कैटेगरी के 8 फाइनल्स होंगे. और ये वो लम्हा है जहां आज खिलाड़ी को उसकी मेहनत का सिला मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा, सिल्वर मेडल मिलेगा. सालों की मेहनत आज रंग लेके आएगी दानिश. और बड़ा ही ज़बरदस्त टैलेंट हमने इस वुशू सैंडा प्लेटफॉर्म पे देखा है. अब काफ़ी सारे ऐसे टैलेंटेड फाइटर्स हैं अतिकुर रहमान, जिन्होंने एशियन लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कामयाबी हासिल की, उनको पहले दूसरे राउंड में ही शिकस्त हुई. सो इस किस्म का टैलेंट, अभी जो छुपा हुआ टैलेंट है वो नज़र आया है हमें यहाँ पर. जी दानिश, और यही वजह है कि एशियन लेवल पर अगर ओवरऑल सारे खेलों के मेडल्स जमा किए जाएँ तो मार्शल आर्ट के मेडल्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स वुशू के हैं एशियन सतह पर. जिस तरह आपने बात की कि जो चैम्पियन हैं वो पहले ही राउंड में हार गए, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा वुशू के अंदर और मार्शल आर्ट के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है. तो दानिश, आज भी यकीनी तौर पर फाइनल में भी बड़े तगड़े मुकाबले होंगे. बिल्कुल अतिकुर रहमान, इस वक्त मैच पास हो रहा है रेफरीज का. सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वुशू फेडरेशन अमरीन इसको लीड कर रही हैं. इसके बाद मार्च पास के बाद ये सारे ऑफिशियल्स अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखेंगे और उसके बाद फिर विमेंस वुशू के फाइनल्स होंगे. बड़ा नज़्म ज़ब्त होता है दानिश हर चीज़ के अंदर, सिर्फ खेल में नहीं. आप अंपायर्स की वॉक देख लें या अंपायर्स का अंदाज देख लें, रेफरीज की पोजीशन देख लें, हर एक में डिसिप्लिन का भरपूर मुजाहरा. तो आज के दिन का पहला जो फाइनल मैच आप देखने वाले हैं वो 48 केजी का फाइनल मैच होगा और ये खेला जाएगा HEC और वापडा के दरमियान. HEC की फिजा रेड कॉर्नर में होंगी जबकि वापडा की निमरा ब्लू कॉर्नर में होंगी. और उसके बाद फिर 52 केजी और उसके बाद 56, 60 और फिर 65 और फिर 70. ये दोनों फाइटर्स ही या अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाकर फाइनल तक पहुंची हैं. कुछ चीज़ें देखने वालों के लिए भी हम साथ साथ ऐड करते रहे हैं अतिकुर रहमान. कभी कभार देखने वालों को ऐसा लगता है कि एक फाइट किसी फाइटर के लिए बहुत डेंजरस हो रही है, तो ये पार्ट है इस गेम का, एक कॉम्बैट स्पोर्ट है. जजेस यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर उनको लगता है अपने प्रोफेशनल ओपिनियन में कि ये फ़ाइट एक तरफ से बहुत ज़्यादा हैवी है तो वो उसको वहाँ रोक देते हैं. लेकिन अगर दो फाइटर्स इक्वली मैच्ड हैं और एक फाइटर्स को मार पड़ भी रही है तो फाइट रोकी नहीं जाती क्योंकि वो कमबैक कर सकता है. ये कॉम्बैट स्पोर्ट में हम हमेशा देखते आए हैं. बहुत ही ज़बरदस्त दानिश, आपने इंफॉर्मेशन शेयर की और जिस तरीके से फिज़ा और निमरा अपनी अपनी भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ और एक कांटे का फाइनल जो है उम्मीद की जा रही है. यकीनी तौर पर निमरा भी और फिज़ा भी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जिसकी वजह से वो फाइनल में पहुंची हैं. और ये वुशू की वो खिलाड़ी जो यहाँ अपनी अपनी टीमों को प्लेयर्स को बैकअप करेंगे, उनके हौसले बढ़ाएंगे. तो जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स हमने नेशनल गेम्स में देखे हैं अतिकुर रहमान, हम बॉक्सिंग की बात करें या कराटे की बात करें या फिर वुशू की बात करें, हमने प्लेयर्स को बेहोश होते हुए भी देखा है. इसका ये मतलब नहीं है कि फाइट को उस हद तक ले जाया गया है कि एक एथलीट के लिए वो डेंजरस हो गया है. कॉम्बैट स्पोर्ट्स का हिस्सा होती हैं सारी चीज़ें. बॉक्सिंग में देखते हैं इसीलिए काउंट डाउन दिए जाते हैं, इसीलिए सर्टन रूल्स एग्जिस्ट करते हैं.
और यही वजह है कि सारे हिफाजती चीज़ें जो हैं वो प्लेयर्स ने जेब तन की हुई होती हैं, हेड हो या चेस्ट हो, सब चीज़ें जहां ऐसे एरियाज बॉडी के हैं जहां नुकसानदेह हो सकता है तो वहां उसको सेफ ज़रूर किया जाता है ताकि अच्छे कंपटीशन हो और निमरा और फिज़ा अपनी अपनी टीम के कोचेस के साथ एचसी के फिज़ा रेड कॉर्नर के अंदर ये आप देख रहे होंगे भरपूर तैयारी के साथ और उनके साथ जो स्टाफ है वो वहाँ मौजूद। ओवरऑल इवेंट की अगर बात की जाए जो एचसी ने अच्छे फाइटर्स उतारे हैं और काफ़ी सरप्राइज किया है यहाँ पर मौजूद लोगों को भी बिकॉज टीम आर्मी की इजारादारी रही है वुशु के मुकाबलों में। इफ नॉट टीम आर्मी वाबडा बड़े अच्छे फाइटर्स को स्काउट करता है। द फाइट हैज बिगन राउंड वन। और बिल्कुल आजादाना इस्तेमाल मुक्कों का, लातों का यहाँ पर। किक के दानिश दो पॉइंट होते हैं और अगर आप हैंड यूज़ करें और उसका तो एक पॉइंट होता है। बिल्कुल, या फिर टैकल करके किसी भी फाइटर को नीचे गिराया जाए तो उसके भी दो पॉइंट होते हैं। प्लेटफॉर्म से बाहर करने के भी दो पॉइंट होते हैं। कोई एक फाइटर अगर 12 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल कर ले तो फाइट को वहीं रोका जाता है। और यहाँ अच्छी फाइट फिजा और निमरा मध्य मुकाबल शुक्र रिंग में। अगर आपने दो मरतबा रिंग आउट कर लिया तो कामयाबी हासिल हो जाती है उसी वक्त। दोनों ही फाइटर्स इस वक्त विंडो की तलाश में। फाइनल मैच चल रहा है ये दोनों का। थोड़ा सा ये करीब आई, क्लोज आई, मौका मिला और यहाँ भरपूर निमरा ने भी भरपूर फायदा उठाया। बहुत अच्छे पॉइंट यहाँ क्लैक किए निमरा ने वाबडा के, जिनके ताल्लुक ब्लू कॉर्नर में, और एचसी की फिजा रेड में। थोड़ा सा गैप रखे और मौके की तलाश में रहती हैं दोनों जैसे ही मौका मिलता है। और ये है कि फर्स्ट अटैम्प कौन करेगा ताकि दूसरा उसका तोड़ निकाले और फायदा लिए। और इसके साथ दो वैल्यूएबल पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हुई निमरा। किक की थी यहां पर फिजा ने जिसको पकड़ कर नीचे गिराया निमरा ने उनको। थोड़ा हाइट का एडवांटेज है फिजा को लेकिन निमरा बहुत फुर्तीली और चाको चौबंद नजर आ रही हैं यहां पर। एक फिक्स टारगेट नहीं दे रही है यहां पर निमरा फिजा को। मूव अच्छा कर रही हैं और यहां पर अच्छी किक कनेक्ट की है। उसके बाद पंचेस का कॉम्बिनेशन। फिजा बहुत ही जबरदस्त अंदाज में उन्होंने यहां पर जवाबी हमला किया और भरपूर पॉइंट यहां पर हासिल किए। पहला राउंड मुकम्मल हुआ दानिश। पूछ चुकी एक अच्छी बात यह है कि जजेस हर राउंड के बाद अपने स्कोर्स को टैली करते हैं और फिर बताया जाता है कि पहला राउंड किसके नाम रहा। एट टाइम्स दे कैन चूज टू होल्ड दैट इंफॉर्मेशन बैक। ये मलिया और मनसा हैं, दोनों का ताल्लुक एचसी से और दोनों ही फाइनल्स में आज नजर आएंगी। एक 65 केजी कैटेगरी में और एक 70 केजी कैटेगरी में। दोनों ही बहुत अग्रेसिव, बहुत ही अग्रेसिव फाइटर्स हैं और
मैं तो शुरू से यही मानता आया हूँ कि ये दोनों बहनें हैं, बिकॉज दे इवन लुक लाइक ट्विंस टू मी। नहीं, यहाँ पे कुछ जिक्र का किया, मैंने मालूम किया था, तो कहने दो सिस्टर्स हैं यहाँ पर। और यू पहला राउंड निमरा के नाम रहा वापडा की, जिनका ताल्लुक, और ये एच ई सी की फिजा रेड कॉर्नर में पहला राउंड अपने नाम ना कर सकें। अगर दूसरा राउंड भी निमरा ने जीत लिया तो वो गोल्ड मेडल की हकदार होंगी, लेकिन अगर फिजा ने ये जीता तो फिर एक एक से बराबर हो जाएगा। और फिर तीसरे राउंड का आगाज होगा, और यहाँ सेकेंड राउंड का आगाज, और गिराने में कामयाब हुई या निमरा। पहला राउंड निमरा के नाम रहा दानिश वापडा की, और यहाँ पर भी दूसरे राउंड के आगाज से ही उन्होंने वैल्यूबल पॉइंट्स हासिल किए हैं। आप देखें किस तरह कॉम्बिनेशन की मदद से उनको नीचे गिराया, एक बार फिर कॉम्बिनेशन अनलीश करते हुए पंचेस की मदद से अटैक कर रही हैं अब। और निमरा को मौका मिलता है तो वो ताबड़तोड़ हमले शुरू करती हैं फिजा के ऊपर। एक्सपीरियंस नजर आ रहा है निमरा की फाइटिंग टेक्निक में, बॉडी लैंग्वेज भी काफी हाई है निमरा की बनिस्बत फिजा के। लेकिन ये देखें निमरा, जैसे ही फिजा आती हैं निमरा उसका भरपूर फायदा उठाती हैं फिजा। जैसी करीब ये देखें निमरा ने बहुत अच्छे तरीके से घूम के ट्राई किया और बहुत अच्छे पॉइंट यहाँ पर दानिश कलेक्ट किए। साथ माइंड गेम्स भी खेलती हुई नजर आ रही हैं निमरा यहाँ पर फिजा के साथ। फिजा ने अटैक किया लेकिन निमरा ने उसका जबरदस्त फायदा उठाकर खुद पॉइंट्स हासिल किए। और यहाँ गिराने में पहले राउंड में भी निमरा कामयाब हुई थी फिजा को गिराने में, यहाँ भी कामयाबी हासिल की। ये देखें निमरा भरपूर पावर का, ताकत का मुजाहरा करते हुए, टेक्निक का सही इस्तेमाल करते हुए। लेकिन निमरा यहाँ पर प्लेटफॉर्म से बाहर करने की कोशिश नहीं कर रही हैं फिजा को, यहाँ पर कोशिश जरूर की थी। दोनों ही फाइटर्स रेफरी की आवाज नहीं सुन रहे थे यहाँ पर। और निमरा का सेकंड राउंड के बाद दोनों हाथ बुलंद किए और ये बावर कराने की कोशिश की कि वो विनर होंगी, क्योंकि पहला राउंड निमरा के नाम रहा। देखते हैं जजिस क्या डिसाइड करते हैं और सेकंड राउंड किसके नाम होता है। इसके बाद जो फाइट होने वाली है अतीकुर रहमान, वो भी बहुत ही तगड़ी होने वाली है। ये फाइट लगता है यहीं पर ख़त्म होगी, क्योंकि दूसरे राउंड में भी हमें निमरा की बढ़तरी नज़र आई, ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग अटैक्स किए उन्होंने। और ये देखें फैमिलीज आई हुई हैं अपनी अपनी प्लेयर्स को बैकअप करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए वीडियोस भी बनाती हैं। और बड़ा टैलेंट वुशु के अंदर। राइट, जो अगली पॉइंट लाइनअप है, इट इज अ 52 kg फाइनल टू बी फॉट बिटवीन रबिया फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी एंड कनीज फातिमा फ्रॉम बलूचिस्तान। ये बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है, इन दोनों ही फाइटर्स ने काफी इंप्रेस किया है। तो दूसरा राउंड फिजा के नाम रहा सरप्राइजिंगली, दिस फाइट कंटिन्यूज। और अब राउंड थ्री में तो फिर अच्छा मुकाबला होगा दानिश, अब एक एक से बराबर हो चुके हैं यहाँ पर।
पहला नाउन रिम निमरा के नाम और दूसरा फिजा के नाम देखते हैं। निमरा थॉट शी हैड इट इन द बैग बट शी डिडंट। और पहले डराती हुई निमरा और फिजा ने बहुत रिंग आउट करना चाहती हैं निमरा किसी तरीके से, लेकिन बिल्कुल बॉर्डर पे जाकर वो फिर कामयाबी उनको नहीं मिलती। रिंग आउट के दो पॉइंट होते हैं, किक भी अगर उनकी बॉडी पे लग जाए मुखालिफ खिलाड़ी के तो उसके भी दो पॉइंट। हाइट का यकीनी तौर पर फिजा को थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन निमरा बिल्कुल मौके की तलाश में। और ये कमाल बैलेंस का मुजाहरा किया यहाँ पर फिजा ने, एक टांग पर अपने आप को संभाला। निमरा की ज्यादा कोशिश के वो उनको रिंग में गिराएं, फिजा जो है वो पॉइंट कलेक्ट करती हुई। ये देखें निमरा की पूरी कोशिश कि फिजा को जो है वो रिंग में गिरा के पॉइंट हासिल करें, लेकिन फिजा भी तगड़ी। और अच्छा फिजा ने इस वक्त निमरा और यहाँ खुद निमरा जो है उनको गिराने के कोशिश के अंदर खुद गिर गई। किसी की भी फाइट हो सकती है ये अतीकुर रहमान, बिल्कुल। लेकिन इस थर्ड राउंड में आई थिंक फिजा बहुत अच्छा उसने पॉइंट कलेक्ट किए हैं। निमरा की पूरी कोशिश ये थी कि उसको ग्राउंड में गिराएं फिजा को, लेकिन फिजा ने ऐसा नहीं होने दिया और यूं राउंड थ्री ख़त्म हुआ। जजिस के फैसले का इंतज़ार होगा कि कौन गोल्ड मेडल की हकदार है, फिजा या निमरा। कमबैक बड़ा ज़बरदस्त किया है यहाँ पर फिजा ने, पहले राउंड में जिस तरह से ओवर पावर किया था निमरा ने उनको और पॉइंट स्कोर किए थे, दूसरे राउंड में कुछ स्ट्रैटेजी खासतौर पर दूसरे राउंड के अख्ताम पर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज की थी निमरा ने और प्लेटफॉर्म से बाहर करने के लिए जोर आजमाई करती हुई नज़र आई। टेक्निकल पॉइंट स्कोरिंग वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई निमरा की गेम प्ले में, जिसका दानिश भरपूर फ़ायदा उठाया फिजा ने। और फिजा ने अच्छी किक्स का इस्तेमाल किया पॉइंट लिए, लेकिन देखना पड़ेगा जजिस ने किस तरीके से किस निगाह से देखा है और किस तरीके से उनके नज़दीक कौन सी टीम फाते होगी। पूरा हॉल यहां पर फैसले का मुंतजर। ये लिटिल पेशेंट बिकॉज ये फाइनल फाइट का फैसला है तो थोड़ा सा और टाइम लिया जा रहा है। तमाम जितने जजेस हैं उनके पॉइंट्स कलेक्ट करके फिर डिसाइड किया जाएगा कि इस पहली फाइट की फातह कौन है। तो यहाँ वेट भी किया जा रहा है, 48 केजी की ये फाइट थी, फैसला सुनाने से पहले वे किया जाएगा दोनों फाइटर्स को। आ रहा कि ये 48 केजी की फाइट है, लेकिन निमरा और फिजा दोनों को रेफरीज ने कॉल की हैं। वेट
अच्छा, अभी उस पहली जो फाइट हुई थी निमरा और फिजा के दरमियान, उसका नतीजा फिलहाल रोका हुआ है। ताज़ा तरीन अपडेट लेके आया हूँ मैं अतीक रहमान, आपका वाला काम किया है मैंने। तो इस फाइट में ये हुआ कि एक राउंड निमरा जीती, एक राउंड फिजा जीती, तीसरा राउंड बराबर हो गया ड्रॉ। तो अब फैसला होगा वेट पर, जिसका वेट कम हुआ वो ये फाइट जीत जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेक्निकल गेम है दानिश, और यकीनी तौर पर हम भी यहाँ इन गेम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। और ज़बरदस्त दानिश ने जिस तरह बताया कि तीसरे राउंड में पॉइंट बराबर हुए हैं, अब वेट किया जाएगा। दोनों प्लेयर्स को साइड में बिठाया हुआ है और वेट मशीन आएगी, जिसका वेट कम होगा वो फाते होगी। मीनवाइल फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट फाइट के लिए। एक और फाइनल फाइट है ये, 52 केजी की फाइट, पाकिस्तान आर्मी से रबिया रेड कॉर्नर में, जबकि बलूचिस्तान से कनीज फातमा। कनीज फातमा ने भी सेमीफाइनल में खासा इम्प्रेस किया था, वो फाइट भी तीन राउंड्स तक गई थी। रबिया ऑन द अदर हैंड टेक्निकली बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, अतीकुर रहमान बड़ा अच्छा मूव करती हैं और बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करती हैं। रेड कॉर्नर में देखेंगे आप इनको, तो ये टफ फाइट होगी कनीज फातमा के लिए। बलूचिस्तान की कनीज फातमा का यहाँ तक पहुँचना भी बड़े उनके लिए एजाज की बात है। बलूचिस्तान की इन लड़कियों में बड़ा टैलेंट है, फाइनल राउंड तक पहुँची हैं कनीज फातमा। और यहाँ राउंड वन रबिया और कनीज फातमा के दरमियान, रेड कॉर्नर में रबिया, ब्लू में कनीज फातमा। अच्छा इस्तेमाल रबिया का, और उनका स्टांस बता रहा है कि बड़ी प्रोफेशनल हैं रबिया। ये देखें उनको ड्रा भी रही हैं और इस मौके की तलाश में, और अच्छा पॉइंट लिया यहाँ पे, अच्छे किक का इस्तेमाल, लेकिन कनीज फातमा ने भी भरपूर जवाब दिया रबिया को। और यहाँ फिर देखते हैं, अब देखें अच्छा कॉम्बिनेशन पंच और किक का, पंच से पीछे धकेला फिर किक से पॉइंट भी हासिल किया। बलूचिस्तान की कनीज फातमा भी रबिया का स्टांस बताता है कि बड़ी प्रोफेशनल, और आंखें डालकर, लेकिन कनीज फातमा भी किसी तौर पर कम नहीं। कनीज बिल्कुल मंसूर दुरानी की स्टूडेंट हैं ये, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग तो होंगी। मंसूर दुरानी बड़ी ज़बरदस्त वैल्यूज इंस्टिल करते हैं अपने फाइटर्स में, बड़ी तैयारी कराते हैं उनकी। और ये अच्छा कनीज फातमा ने किक का इस्तेमाल किया, और यहाँ खुद को सेफ करते हुए रबिया। दोनों ही फाइटर्स विंडो की तलाश में, अतीक रहमान देखें एक इंच नहीं दे रहे एक दूसरे को। बिल्कुल फाइनल में यही होता है, छोटी सी गलती भी नुकसानदेह होती है, तो इस वजह से दोनों चुकन्ना हैं कि कोई गलती ना करें। और रिंग आउट की कोशिश, और यहाँ कनीज फातमा रिंग आउट हुई, यूं रबिया को ये बड़े अच्छे दो पॉइंट मिले हैं। ये वो चीज़ है जो आपके स्केल्स हैवी कर देती है अतीक। और यूँ राउंड वन का अख्ताम हुआ, रबिया को उनके कोचिस थोड़ा सा कि रिंग आउट के ऊपर उनको थोड़ा सा। मंसूर दुरानी यहाँ पर कनीज फातमा को यही समझा रहे हैं बड़े अग्रेशन के साथ कि फाइट खेलनी है आपने, आप इंतज़ार ना करें अपने ओपोनेंट का कि वो आप पर अटैक करे, आप उस पर अटैक करें, मारें उसको, टेक्निकली पॉइंट हासिल करें। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि उनके कोचेस कनीज फातमा के बता रहे हैं, थोड़ा सा गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं कि आप में टैलेंट है, तुम कर सकती हो और तुम करती हो, और आज नहीं किया तो ये गोल्ड मेडल का है। फर्स्ट राउंड गोज टू रेड कॉर्नर रबिया के नाम, रबिया
पहला राउंड जीतने में कामयाब, क्योंकि रिंग आउट हो गई थी कनीज फातिमा। अब देखना ये होगा आतिकुर रहमान की कनीज कमबैक कर सकती हैं इस फाइट में या नहीं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फिजा ने कमबैक किया था। अब देखते हैं जो नए अहकाम लेके आई हैं कनीज फातिमा किस तरह चेंज लेके आती हैं। अग्रेशन नजर आना चाहिए इनकी गेम में। अब कनीज को बहुत ज्यादा बकअप करती हुई उनके खिलाड़ी, अच्छा इस्तेमाल रबिया खाद किक का, दोनों रबिया और कनीज फातिमा ने अच्छा इस्तेमाल किया और यूं कनीज फातिमा उनको रिंग आउट करना चाहती थी, लेकिन रबिया बहुत अच्छे तरीके से मूव हुई, बिल्कुल बॉर्डर पर थी। ये एक्सपीरियंस दिखा रही हैं यहाँ पर रबिया, अपना महसूस किया कि वो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल कॉर्नर पे, तो अपने बॉडी को शेप के जरिए साइड पे लेके आई। ये देखें अभी फिर वो इस तरह घूमी जब उनको अंदाजा हुआ, और ये अच्छा हो सकता है और ये रिंग आउट के लिए, देखते हैं कौन रिंग आउट करने में कामयाब होता है। लेकिन अच्छी कोशिश थी कनीज फातिमा की, लेकिन रबिया बड़ी तगड़ी निकली, उतना ही अच्छा बैलेंस का मुजाहरा किया यहाँ पर रबिया ने। शानदार फाइट चल रही है इस वक्त इन दोनों टैलेंटेड फाइटर्स के दरमियान। कनीज फातिमा कर सकती थी रिंग आउट, लेकिन और अच्छा अच्छा पॉइंट यहाँ पे, और अच्छा यूं रबिया को रिंग आउट करने में कामयाब। शानदार कमबैक नजर आया यहाँ पर कनीज फातिमा का, पहले किक से पॉइंट हासिल किया, पंच से फॉलो अप किया, उसके बाद रिंग आउट भी किया। बहुत पहली राउंड के अंदर रबिया ने कनीज फातिमा को रिंग आउट किया था, दूसरे राउंड में कनीज फातिमा ने रबिया को रिंग आउट किया, और यहां देखना पड़ेगा। और यू सेकेंड राउंड खत्म हुआ, यहां कनीज फातिमा के कोच ने जो समझाया उसको एग्जीक्यूट किया कनीज फातिमा ने भरपूर अंदाज से। मंसूर दुरानी यही बार बार कनीज फातिमा को समझा रहे थे कि दूसरा राउंड है, पहले राउंड में आपको शिकस्त हो चुकी है, आपको ऑल आउट जाना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने हैं, ताकि कोई डाउट ना रहे जजेस के माइंड में कि ये फाइट अब बराबरी पे नजर आ रही है। उनके कोचेस उनको यही समझा रहे थे कनीज कि तुम कर सकती हो और तुम करती आई हो, सिर्फ यहाँ हल्का नहीं पड़ना, कमज़ोर नहीं पड़ना, तुम कर सकती है। और उधर दूसरी जानिब रबिया भी भरपूर तैयारियों में नज़र आ रही है। सेकंड राउंड के नतीजा हम देखते हैं। The judges have come to a decision. उनके मुताबिक दूसरे राउंड में ज्यादा पॉइंट्स हासिल नहीं किए कनीज फातिमा ने। लेकिन आप इस बात को समझें कि अगर जो किक ब्लॉक के बाहर लगे उसका पॉइंट नहीं होता। वेल डन बिलू, बहुत अच्छी फाइट थी। रेडी सविनो, द डिसीजन हैज बीन मेड। टीम आर्मी की रबिया को फाते करार दिया गया है इस फाइट में। द कंटिंजेंट फ्रॉम बलूचिस्तान इज नॉट हैप्पी। मंसूर दुरानी अपनी खफगी का इजहार भी कर रहे हैं यहां पर।
तो दानिश यही वजह थी कि वो फिर जब विनिंग के लिए अंपायर तो कनिस फातिमा बाहर आ गई थी, ये उनका प्रोटेस्ट था या क्या था? बिल्कुल मंसूर दुरानी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि दोबारा जायजा लिया जाए पॉइंट्स का और जजेस के पॉइंट्स शीट को देखा जाए कि उन्होंने किस तरह ग्रेड किया है, बिकॉज मंसूर दुरानी खुद दुनिया भर में एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं, दुनिया भर के वुशू इवेंट्स में शिरकत कर चुके हैं, तो वो भी पॉइंट कर रहे होते हैं अपने दिमाग में। तो उनके मुताबिक इस राउंड में कनिस फातिमा ने ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए थे, बट जजेस अग्री नहीं करते एंड इवेंचुअली द डिसीजन विल स्टैंड। और जजेस यहाँ पे उसकी थोड़ी सी वजाहत भी की कि जो ग्लव्स पे ग्लव्स होता है उसके कोई पॉइंट नहीं होते, बैक साइड से भी अगर कोई पंच करेगा या किक करेगा तो उसके भी कोई पॉइंट नहीं होते। यहाँ उन्होंने वजाहत की कि बज़ाहिर देखने वालों को ऐसा लगता है कि अच्छा फाइट की है, लेकिन उन्होंने वजाहत की कि किसके पॉइंट्स होते हैं किसके नहीं। बैक से अगर आप हमला करेंगे तो उसके पॉइंट नहीं होंगे। अगेन बहुत सी चीज़ें हम एज व्यूअर्स देख रहे होते हैं अतीकुर रहमान, तो बहुत सी चीज़ें जजेस बेहतर अंदाज में समझते हैं, जानते हैं, वो क्लोजली फॉलो करते हैं स्पोर्ट को। यकीनी तौर पर आप सही कह रहे हैं, बज़ाहिर जैसे उन्होंने भी वजाहत की, बज़ाहिर आपको ऐसा लगता होगा कि शायद उनके पॉइंट हैं, लेकिन जिस तरह टेक्निकल अंदाज के अंदर जजेस उसको वॉच करते हैं, एक आम आवाम की आंख उस तरीके से नहीं उसको देख पाती। मीनवाइल हम तैयारी कर रहे हैं अब 56 kg विमेन फाइनल की। शबाना रेड कॉर्नर में, पाकिस्तान वापडा से इनका ताल्लुक, और सकीना बलूचिस्तान से ब्लू कॉर्नर में आपको नजर आएंगी। सकीना और शबाना के दरमियान ये एक और तगड़ी फाइट होने जा रही है। बलूचिस्तान की तीन खिलाड़ियों ने दानिश फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, टैलेंट से भरपूर। जजेस प्लीज, जजेस जजेस। नेक्स्ट फाइट इन लाइन, शबाना फ्रॉम वापडा इन द रेड कॉर्नर, सकीना फ्रॉम बलूचिस्तान इन द ब्लू कॉर्नर। शबाना और रिंग आउट करना चाहती थी सकीना को, शुरू के अंदर ही वो चाहती थी कि सकीना को डाउन करें, रिंग आउट करें। नहीं, यहाँ शबाना बहुत भारी पड़ रही हैं और वन साइडेड थोड़ा सा नज़र आ रहा है, डर रही हैं सकीना शबाना के सामने। बिल्कुल अग्रेसिव इंटेंट दिखा रही है यहाँ पर शबाना अपनी, और प्रेशर में नजर आ रही है सकीना, टेक्निकली ज्यादा इक्विप्ड हैं और ऑफेंसिव की बजाय डिफेंसिव नजर आ रही है यहाँ पर सकीना। यही वजह है कि मजीद अग्रेशन का मुजाहरा देख रहे हैं हम शबाना की जानिब से। शबाना की जानिब से बिल्कुल आप सही कहा, शबाना का ये देखें बिल्कुल मुसलसल उछलते रहना और अपने आप को पंप अप करना, शबाना का बहुत ज़बरदस्त अंदाज और ये भरपूर मुजाहरा। और यहाँ सकीना इस कोशिश में, सकीना की भी यहाँ वो डिफेंसिव कोशिश है कि वो किसी तरीके से रिंग आउट करें शबाना को, लेकिन शबाना बहुत भारी पड़ रही हैं। क्लियरली टेक्निकल एडवांटेज तो शबाना को ही हासिल है, ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा तैयारी नज़र आ रही है, यही वजह है कि वो अपनी टेक्निक को इस्तेमाल भी कर रही हैं। नाइस, बहुत अच्छी, यहाँ देखें बिल्कुल डिफेंस और कुछ हमला शबाना कर रही है उसका, उस तरीके से जवाब नहीं दे रहा, लेकिन जिस कोशिश में थी सकीना उसमें कामयाबी उसको मिली, गो के खुद भी ये रिंग आउट बाद में हुई, विसल से पहले ही दानिश थोड़ा सा
वजाहत करें क्योंकि आप काफ़ी दिनों से वुशु को जो है फॉलो कर रहे हैं। सॉरी ठीक, मैं फोकस मेरा इस वक्त चीफ जज पे था बिकॉज राउंड वन का वहाँ पर इख्तिताम हुआ, मैं सुन नहीं पाया आपने क्या कहा। यहाँ पर शोर भी काफ़ी ज़्यादा है, आसपास भी काफ़ी शोर हो रहा है। मैंने कहा जिस तरीके से शबाना रिंग आउट हुई लेकिन उसके थोड़ी देर बाद सकीना भी नीचे उतर आई थी रिंग से, तो क्या ये दोनों रिंग आउट होंगे? अगर आप उसी वक्त एक फाइटर दूसरे फाइटर को रिंग आउट होते होते दूसरे फाइटर को भी अपने साथ खींच ले तो वो नल एंड वॉइड हो जाती है, लेकिन अगर थोड़ी देर बाद आप नीचे आ जाएं तो वो फिर काउंट नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा सकीना ने वहाँ पर अपने आप को बैलेंस कर लिया था और जब बेल बजी है, विसल बजी है, उसके बाद वो फिर नीचे आई है। जी बस यही वजाहत में, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से दानिश वुशु को फॉलो कर रहे हैं और ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपने इसकी वजाहत की। हमारी कोशिश यही रही थ्रू आउट दिस इवेंट आतिक रहमान के हम एक्सपर्ट्स को अपने साथ बिठाएं बिकॉज बहुत सारे गेम्स इस बार नेशनल गेम्स में हमारे लिए भी नए थे एंड वी आर हियर एज स्टूडेंट्स और वी बीन ओनिंग इट प्राउडली ऑनेस्टली स्पीकिंग बिकॉज व्हाट वुड यू रादर वांट कि ये इवेंट्स नज़र ही ना आए आपको टेलीविजन पर या नज़र आए और हम और आप साथ साथ उनके बारे में जानते रहें? बिल्कुल दानिश, आपने सही कहा। और यहाँ दूसरे राउंड का आगाज, शबाना भरपूर अंदाज के अंदर, ये देखें किस तरह वो अपने कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस है अतीक जो नजर आ रहा है शबाना के मूवमेंट में। पहले राउंड में शबाना ने कामयाबी हासिल की क्लियरली। शबाना की किक में पावर भी है और यूं रिंग आउट की कोशिश नाकाम। शबाना की स्टेपिंग ये देखें किस तरीके से वो अपनी स्टेप ये आगे पीछे और ऊपर नीचे करती रहती हैं और ख़ुद को हर हमले के लिए तैयार और अटैक करने के लिए भी ख़ुद को तैयार रखती हैं। शबाना खेल रही हैं बकायदा शबाना इस वक्त सकीना के साथ, बिल्कुल मौका नहीं दे रही हैं उनको। और ये काउंट नहीं होगा आतिक रहमान बिकॉज दोनों फाइटर्स एक साथ सांडा प्लेटफॉर्म से बाहर गए। तो यहां पर भी शबाना की टेक्निक की तारीफ बनती है कि उन्होंने सकीना को अलाउ नहीं किया उनको रिंग आउट करने के लिए। एक बार फिर अच्छी टेक्निक का मुजाहिरा शबाना की जानिब से। सकीना की एक ही कोशिश के किस तरह से किक पकड़ें और उनको गिराएं और यहां कामयाब भी हुई। बिल्कुल तारीफ बनती है यहां पर शबाना की कि वो मजामत फराम करती हैं, इतनी आसानी से प्लेटफॉर्म से उतारने नहीं देती अपने ओपोनेंट को। और यूं सेकेंड राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचा, बजाहिर जैसे हमें जो नजर आ रहा है उसमें शबाना विनिंग हासिल करते हुए, लेकिन आखिरी फैसला जजिस का होगा। चीफ जज ने यहां पर अपना ओपिनियन भी दिया शबाना की तारीफ करते हुए और ये भी कहा कि ये अनबीटेबल प्लेयर हैं। Red is the winner. That means Shabana from Pakistan Wabda has managed another goal for her team in 34th National Games. Aur ab agla ye acha final hoga Danish 60 kg mein team army aur team Wabda ke khiladiyon ke darmiyan। साहिबा यूसुफ वाबडा की नुमाइंदगी करेंगी रेड कॉर्नर में और सुंदस जो हैं वो आर्मी की नुमाइंदगी करेंगी। और सुंदस के कॉर्नर में आपको मायरा भी नजर आ रही हैं, सेमीफाइनल में इनको शिकस्त हुई थी और लोग भी काफ़ी परेशान थे कि जिस तरह से ये प्लेटफॉर्म से बाहर हुई और अनकॉन्शियस हो गई क्या ये खैरियत से हैं, तो
माहिरा आपके सामने हैं, इंटरनेशनल वुशू प्लेयर हैं अतिकु रहमान, यही वजह है कि जजेस ने उस वक्त सेमीफाइनल फाइट को रोका नहीं था और आगे बढ़ने दिया था बिकॉज दे न्यू माहिरा कुड टेक इट। राइट देन, साहिबा यूसुफ फ्रॉम बाबडा इन द रेड कॉर्नर, सुंदस फ्रॉम टीम आर्मी इन द ब्लू कॉर्नर। और फर्स्ट राउंड का आगाज आर्मी की, और यहां रिंग आउट करने में लेकिन नल एंड वाइट, क्योंकि दोनों जिस तरह दानिश ने कहा कि दोनों एक साथ हुई हैं तो ये किसी का पॉइंट नहीं होगा। साहिबा यूसुफ ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा टेक्निकली हैवी नजर आ रही हैं यहां पर। सादिया यूसुफ और सुंदस के दरमियान ये 60 केजी का फाइनल ब्लू कॉर्नर में टीम। और अच्छा सादिया यूसुफ ने देखें अपने आप को सेव किया, बिल्कुल बॉर्डर पर थी। बिल्कुल साहिबा यूसुफ ने किस तरह देखें आपको हेडलॉक लगाकर अपनी बॉडी को टर्न किया ताकि सुंदस अपने वेट के बल गिरे और दो पॉइंट्स हासिल किए यहां पर। बिल्कुल बॉर्डर पे अपनी बॉडी को बैलेंस रखना और ना रिंग आउट होना एक बड़े फन का और महारत का मुजाहरा है। साहिबा यूसुफ टीम आर्मी की, सुंदस सादिया यूसुफ वाबडा की, साहिबा और सुंदस टीम आर्मी की। आदत नहीं रही है हमें टीम आर्मी की प्लेयर को ब्लू में देखने की और टीम बाबडा की प्लेयर को रेड में देखने की। अतीक, सो आई कैन फील यू, थोड़ा सा यही थोड़ी सी कंफ्यूजन थी जिसकी वजह से मैं गलती कर गया, क्योंकि अमूमन और यहाँ अच्छा साहिबा यूसुफ टीम वाबडा और यूं पहला राउंड इख्तिताम पजीर हुआ। So we are waiting for the result of the first round. Judges ke results chief judge tak pahunch chuke hain aur pehle round ka faisla aane wala hai। रेड कॉर्नर के नाम पहला राउंड साहिबा यूसुफ फ्रॉम पाकिस्तान वाबडा। बिल्कुल रेड में ही वाबडा की साहिबा यूसुफ है अतीक। नहीं अब तक मैं जो हूं वो रेड और ब्लू में कंफ्यूजन कर रहा हूं। कल भी आपने देखा होगा बास्केटबॉल के अंदर ये साला साल की कंडीशनिंग है थोड़ा ये, सा, क्योंकि ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। शुरू में मेरे साथ भी यही हुआ था अतीकुर रहमान। सो इसीलिए हम अपने देखने वालों के लिए बार बार वाजे करते आ रहे हैं कि साहिबा यूसुफ वाबडा से हैं और वो रेड कॉर्नर में हैं, जबकि सुंदस टीम आर्मी से हैं और वो ब्लू कॉर्नर में हैं। एक बार फिर चार्ज करते हुए फ्रंटल किक कनेक्ट की साहिबा यूसुफ ने, सुंदस ज़्यादा अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रही है ना कि अपने पंचेज और किक्स का। और यूं गिराने में कामयाब हुई। सुंदस काफी अच्छे खेल का मुजाहरा।
और कुछ ही देर बाद ये सेकंड राउंड का इख्तिताम होने वाला है और यहाँ लेकिन दोनों एक साथ गिरी हैं तो इस वजह से और यहाँ फिर दोनों एक साथ रिंग आउट हुई हैं तो किसी को और यहाँ सुंदस और साहिबा यूसुफ का ताल्लुक वापडा से, सुंदस का ताल्लुक आर्मी से। सुंदस का खेल खासा नुमाया और न्यू टीम आर्मी की साहिबा यूसुफ कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। यहाँ सुंदस का खेल खासा नुमाया रहा। न्यू सेकंड राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचा। जजिस के फैसले का इंतजार होगा और ये अगली फाइट जो लाइंड अप है अतीक रहमान वो बड़ी ही तगड़ी होने वाली है और 65 केजी विमेन कैटेगरी का फाइनल है ये। मलिहा फ्रॉम एचसी और सादिया हजारा फ्रॉम बलूचिस्तान। और इस अगली तगड़ी फाइट के लिए कॉम बॉक्स में भी हम तब्दीली करेंगे, आपको ज्वाइन करेंगे मोहम्मद खान काकड़ और इरफान साबिर। थोड़े से डल डल नजर आ रहे हैं, कॉमेंट्री में आके बैठे तो आप जागे। वेलकम इरफान साबिर। थैंक यू दानिश हनीस। और कॉम बॉक्स में मैं ज्वाइन किया इरफान साबिर। वेलकम इरफान साबिर। और थैंक यू वेरी मच दानिश। इट वाज अ वंडरफुल फाइट जो कि जिसके नतीजा टीम वापडा के हाथ में आया। टीम वापडा ने शिकस्त दी टीम आर्मी को। पाकिस्तान आर्मी की बाउट ने इसको अपने नाम किया। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बाउट देखने को मिली। वुमेन्स की ये बाउट थी फाइनल्स।